हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको नागनी माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ रहस्यमय बातें बताऊंगा, जिन्हें देख आप भी दंग रह जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नागनी माता मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसके बारे में मैं आज आपको कुछ रोचक बातें बताऊंगा, जो कि इस प्रकार से हैं। तो बिना वक्त बिताए किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। नागनी माता का मंदिर नूरपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर बड़वार के एक गांव में स्थित है। नागनी माता में हर साल बहुत बड़ी श्रृंखला में मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग अपनी मनोकामना और माता के दर्शन के लिए आते हैं। लोगों की मान्यता है कि मेले में नागनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने से सांप इत्यादि विषैले कीड़ों के दंश का भय नहीं रहता। मंदिर को लेकर जो भी दंत कथाएं हों, सत्यता जो भी हो, परंतु लोग श्रद्धा भाव से जहरीले जीवों, कीटों तथा सर्पदर्श के इलाज के लिए आज भी बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक नामी सपेरे ने मंदिर में आकर धोखे से नागनी माता को अपने पिटारे में डालकर बंदी बना लिया। माता ने क्षत्रिय राजा को दर्शन देकर अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तो राजा ने नागनी माता को सपेरे से मुक्त करवाया। तब से इस स्थल को विष मुक्त होने की मान्यता मिली और सर्पदंश से पीड़ित लोग अपने इलाज के लिए जहाँ आने लगे। मंदिर के पुजारी के अनुसार माता कई बार सुनहरी रंग के स्वरूप में मंदिर परिसर में दर्शन देती है, जिसे देखकर बड़े आनंद की अनुभूति होती है। श्रद्धालु माता के मंदिर की मिट्टी, जिसे शक्कर कहा जाता है, को बड़ी श्रद्धा व विश्वास के साथ घर ले जाते हैं, ताकि घर में सांप तथा अन्य विषैले जंतुओं के प्रवेश का भय न रहे। इसके अलावा इस मिट्टी का उपयोग चर्म रोग के लिए औषधि के रूप में भी किया जाता है। मेले के दौरान श्रद्धालु नागनी माता का दूध, खीर, फल इत्यादि व्यंजन अर्पित करके इसकी पूजा आराधना करते हैं। घर मनाए जाने वाले असंख्य मेलों की श्रृंखला में सबसे बड़े लंबे समय अर्थात 2 मास तक मनाए जाने वाला प्रदेश का एकमात्र मेला नागनी माता है। यह मेला प्रतिवर्ष श्रावण एवं भाद्रपद मास के प्रत्येक शनिवार को नागनी माता के मंदिर कोडीटी का परंपरागत श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मंदिर की स्थापना को लेकर प्रचलित एक दंत कथा के अनुसार वर्तमान में कोडीटीका में स्थित माता मंदिर पहले घने जंगलों से घिरा हुआ स्थान हुआ करता था। बताया जाता है कि इस जंगल में कोढ़ से ग्रसित एक वृद्धा रहा करता था और कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करता था। उसकी साधना सफल होने पर उसे माता ने दर्शन दिए, जो नाले में दूध की धारा बहती दिखाई दी। सरपण टूटने पर उसने दूध की धारा वास्तविक रूप में बहती देखी, जो कि वर्तमान में मंदिर के साथ बहते नाले के रूप में है। माता के निर्देश उसने अपने शरीर पर मिट्टी सहित दूध का लेप किया और वह कोष मुक्त हो गया। आज भी यह परिवार माता की सेवा करता है और माना जाता है कि उसके परिवार को माता की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करके लाइक का जरूर बटन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।